ये बात काफी पुरानी नहीं है, ये बात तब की है जब अयोध्या का फैसला आने वाला था। कानपुर में दंगों के डर से कानपुर बंद था। हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी छुट्टी के मजे ले रहा था। मेरे पड़ोस में रहने वाले एक चाचा जी अक्सर अपनी छुट्टी गंगा किनारे व्यतीत करते थे। मछलियों के बड़े शौकीन थे, इसलिए अक्सर छुट्टी के दिन मछलियां पकड़ने गंगा किनारे चले जाया करते थे। कभी कम तो कभी ज्यादा मगर मछली पकड़ने में उस्ताद थे। उस दिन उन्होंने अपना दिन का खाना निपटाया और फिर अपनी पत्नी यानी चाची जी से मसाला पीस कर रखने को कहा और चले गए गंगा किनारे मछली पकड़ने। जैसा मैंने आप सबको बताया कि वो अक्सर मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग ही हुआ। वो मछली पकड़ने के लिए अक्सर गंगा बैराज जाया करते थे, लेकिन कानपुर में उस दिन कर्फ्यू जैसा माहौल था जिसके चलते उन्हें वहां तक जाना उचित नहीं लगा क्योंकि कोई भी सवारी मिलना मुश्किल था। इसलिए आज वो शुक्लागंज की तरफ जाने वाले गंगा पुल के नीचे मछली पकड़ने चले गए। दोपहर का कोई 2:30 बजे का वक्त था। वो अपनी ही धुन में मस्त गुनगुनाते हुए मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे, लेकिन 45 मिनट के बाद भी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लेकिन हर मछली पकड़ने वाले में सब्र का सैलाब होता है। वो भी सब्र करे हुए मछली पकड़ने की पूरी कोशिश करते जा रहे थे। वैसे भी गंगा के किनारे की खूबसूरती इतनी मोहक होती है कि वहां बैठने वाले इंसान का दिल कभी भर ही नहीं सकता, तो बोर होने की बात ही अलग है। वो भी अपनी खुशी में मग्न अपने काम में लगे पड़े थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कांटे में कोई मछली फंसी है। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन अभी पहले उन्हें देखना था कि मछली है कितनी बड़ी है। अगर छोटी हुई तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उनके परिवार में 5 लोग हैं, सिर्फ एक छोटी मछली से कोई फायदा न होता। खैर, वो अपनी इतनी देर बाद आई पहली सफलता को लेकर ही उत्साहित थे। उन्होंने कांटे की डोर को पकड़कर बाहर खींचना चाहा, मगर उन्हें भार ज्यादा लगा और वो उसे खींच नहीं पाए। उन्होंने अपनी उस मछली पकड़ने वाली डोर को एक पत्थर से बांध दिया और पूरा जोर लगाकर उस मछली को बाहर निकालने में लग गए। वो काफी जोर लगा रहे थे मगर उसे बाहर खींच नहीं पा रहे थे। एक तरफ उनके मन में बड़ी मछली पकड़ने की खुशी उन्हें हार नहीं मानने दे रही थी और दूसरी तरफ वो मछली जो बाहर आने की बजाय जैसे चाचा जी को ही अंदर खींचना चाहती थी। काफी जोर लगाने के बाद जब चाचा जी ने समझ लिया कि ये मछली अब बाहर नहीं आ सकती और न ही कोई और वहां था जो चाचा जी की मदद कर सकता, चाचा जी ने उस मछली को छोड़ देने का फैसला किया और एक आखिरी उम्मीद के साथ थोड़ा सा डोर को ढीला छोड़कर फिर एक साथ अपना सारा जोर लगाकर उसे खींचा। वो मछली बाहर आ गई। ये देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई। वो मछली देखने में करीब 4 फुट की थी और वजन करीब 8 किलो होगा। वो कांटे के साथ उछलकर बाहर आई थी चाचा जी से करीब 3 मीटर की दूरी पर। चाचा जी अपना सामान वगैरह छोड़कर उसके पास खुशी से गए, ये सोचते हुए कि इतनी बड़ी मछली को अकेले कैसे घर ले जा पाएंगे। वो उस मछली के पास पहुंचे पहले तो उस मछली को देखकर दंग रह गए। वो मछली बहुत अजीब किस्म की थी, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। काली और थोड़े से हरे रंग के दाग से थे उस मछली पर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि उस मछली ने अपने मुंह में एक इंसान का सर पकड़ रखा था, मानो जैसे कि वो उसे खाने वाली थी। इस बात से वो बिल्कुल भी नहीं डरे क्योंकि लाख पाबंदी के बाद भी कभी कभी गंगा में लाशें देखी जाती है, जिन्हें अगर सरकारी कर्मचारियों ने देख लिया वो उसे निकाल लेते हैं, वरना न जाने कहां तक उसका सफर जारी रहता होगा। ऐसी ही लाशों को अक्सर बड़ी मछलियां भी खा जाती है। ऐसा ही कोई वाक्या समझकर चाचा जी को डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा शायद किसी लाश को खाने की कोशिश की होगी इस मछली ने, मगर खा नहीं पाए इसलिए ये सर इसके मुंह में ही फंसा रह गया। वो मछली बिना तड़पे यथावत पड़ी हुई थी। जो सर उसके मुंह में था उसका पीछे का हिस्सा चाचा जी को दिख रहा था। मछली की पड़ताल करने के लिए चाचा जी ने पहले धागा खींचा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मछली पकड़ने पर कांटा हमेशा उसके मुंह में होता है, तभी वो पकड़ में आती है। लेकिन इस मछली को वो कांटा उसकी पूंछ में लगा था। आम तौर पर पूंछ पर कांटा लगता नहीं है और अगर लग भी जाए तो मछली उससे आसानी से निकल जाती है, चाहे वो कितनी भी छोटी मछली क्यों ना हो। और इतनी बड़ी मछली पूंछ पर कांटा लगने के बाद भी पकड़ में आ गई, ये दूसरी बार था जो उस मछली ने उन्हें हैरान किया था। लेकिन अब वो इन सब बातों को भूल कर बस ये सोचने लगे कि इस सर को इसके मुंह से निकाल कर इसे घर ले चलते हैं। उन्होंने मछली को पलट दिया। अब उस मछली के मुंह में फंसे उस सर का चेहरा चाचा जी की तरफ हो गया।
देखने से लगता था कि वो किसी ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति का सर नहीं था और न ही वो लाश ज्यादा पहले गंगा में फेंकी गई होगी। उस सर का चेहरा सही सलामत था। वो उसे निकालने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि सर को हाथ लगाना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने अपने छोटे से थैले से, जिसमें वो मछली पकड़ते वक्त जरूरत का सारा सामान रखते थे, एक छोटा सा चाकू निकाला। उन्होंने सोचा कि मछली के मुंह को थोड़ा सा काट कर फैला दिया जाए तो वो सर बाहर निकल जाएगा, जिसे वो वापस गंगा में फेंक कर मछली लेकर चलते बनेंगे। जैसे ही उन्होंने वो चाकू मछली के मुंह पर रखा, उस चेहरे ने आंखें खोलकर चाचा जी की तरफ देखा। एक पल को दोनों की नजर मिली, फिर चाचा जी को काटो तो खून नहीं। ऐसा दृश्य देखकर चाचा जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो झटके से पीछे हटे और खूब जोरों से चिल्लाते हुए अपना सारा सामान छोड़कर घर की तरफ दौड़ पड़े। उनके घर से उस गंगा घाट की दूरी कोई 1 किलोमीटर रही होगी। इतनी दूरी उन्होंने दौड़ते हुए ही तय की। वो घर पहुंचते ही घर में गिरकर बेहोश हो गए और वो कपड़ों में ही मलमूत्र त्याग कर चुके थे। उस वक्त उनके डर की कोई सीमा नहीं थी। घर में हाहाकार मच गया। पड़ोसी घर में मधुमक्खी के तरह जमा हो गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है, इसलिए सब ज्यादा परेशान थे। बच्चे बड़े हैं उनके, उन्होंने चाचा जी के कपड़े बदले और उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें कोई सदमा या डर बेहोशी की वजह बताया। ये सुनकर सब हैरान थे कि सदमा या डर किस बात का लगा उन्हें, और सब मिलकर केवल उनके होश में आने का इंतजार करने लगे। करीब 4 घंटे बाद उन्हें होश आया। खुद को सुरक्षित महसूस करने के बाद उन्होंने थोड़ा राहत की सांस ली। फिर सारा वाक्या उन्होंने अपनी पत्नी और बड़े बेटे को सुना दिया। किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल, लेकिन चाचा जी की हालत उस घटना की सच्चाई को साबित कर रही थी। चाचा अब डर से उभर तो गए थे, मगर उन्हें जोरों का बुखार आए जा रहा था। अस्पताल में सारे डॉक्टर पूरी कोशिश में लगे थे, मगर बुखार में कोई कमी नहीं आ रही थी। काफी कोशिश के बाद जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, तो उनके बड़े बेटे ने तांत्रिक का सहारा लेने का फैसला किया। ना जाने कहां से ढूंढ कर वो एक तांत्रिक को लेकर आया। देखने में वो एक साधारण आदमी लगता था, कोई खास बात उसमें दिखाई नहीं देती थी, मगर उसके काम अचूक थे। वो सुबह अस्पताल में आया और थोड़ी देर चाचा जी से बात की और फिर चला गया। शाम को वो दोबारा आया और फिर उसने जो बताया वो सच में चौंकाने वाला था। उसने बताया कि चाचा जी जब मछली पकड़ने गए थे तो उस समय वहां उन्हें कोई नहीं मिला था, ना कोई मछुआरा ना कोई नाव वाला मल्ला, क्योंकि सब इस बात को जानते हैं, गंगा हो या यमुना या फिर और कोई भी नदी, हर नदी के किनारों पर घटवार होते हैं, कोई बहुत सौम्य व्यवहार वाले तो कोई अत्यंत कठोर। ये इन नदी के किनारों के रक्षक होते हैं। जरूरी नहीं एक ही रक्षक हर वक्त किनारों की रक्षा करता हो, ये घटवार भी कई सारे होते हैं, हर किसी का वक्त होता है। दिन के किस पहर किसको रक्षा करनी है, एक व्यवस्थित तरह से सब कुछ तय होता है। जो लोग अक्सर डूब कर मरते हैं या अकाल मौत मरते हैं और घाट पर उनका संस्कार किया जाता है, उन सब की आत्माओं और मल्लाहों के भोग से ये और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। ये एक उन्मुक्त शक्ति होते हैं, कोई तांत्रिक इनसे टकराता नहीं। अगर ये किसी पर नाराज भी होते हैं तो तांत्रिक केवल इन्हें खुश करके ही इनका साया हटा पाते हैं। अगर किसी पर ज्यादा नाराज हो जाए तो उसे अगली सांस लेने का मौका भी न दे, और अगर किसी पर खुश हो जाए तो जिंदगी भर उनकी रक्षा करते हैं। नाव वाले मल्लाह इन्हीं की पूजा करते हैं और इनके आशीर्वाद और कृपा के बाद ही वो अपनी नाव नदियों में उतारते हैं, जिससे उनकी नाव बड़ी सी बड़ी लहरों से भी बच निकलती है। ये अक्सर चिलम, लंगोट, खडाव और सफेद मिठाई का भोग लेते हैं। इनकी हद में भूत प्रेत तो क्या देवता भी नहीं आ पाते। हमेशा किसी भी नदी के तट पर नदी में नहाने से पहले घटवार बाबा की जय बोलकर पहले नदी के पैर छूने चाहिए, फिर नहाना चाहिए, ऐसा आज भी घाटों पंडित और महंत बताते हैं। चाचा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे, वो वक्त वहां के एक शक्तिशाली परंतु एकांत पसंद घटवार का वक्त था। वो मछली और वो सर उस घटवार ने तुम्हें सिर्फ डराने और उस वक्त पर वहां न आने के लिए दिखाया था। उस तांत्रिक ने बताया कि वो घटवार उन पर नाराज नहीं है, केवल उन्हें डराना चाहता था और उसी डर की वजह से ही उन्हें बुखार आ रहा था। फिर तांत्रिक ने चाचा जी को अस्पताल से छुट्टी लेने की सलाह दी और कुछ भूख के साथ चाचा जी को उसी समय पर जिस वक्त वो मछली पकड़ने गए थे वहां अकेले जाने को कहा। वहां जाकर वो भोग अर्पण करें और घटवार से क्षमा प्रार्थना करें। चाचा जी इस बात से और भी ज्यादा डर गए थे, मगर ठीक होने के लिए उन्हें ये करना ही था।
अगले दिन चाचा जी उसी समय पर सारा बताया गया सामान लेकर वहां गए और जल्दी जल्दी क्षमा याचना की और तेजी से वापस अपने घर को लौट आए बिना पीछे देखे। उसके बाद उनका बुखार भी उतर गया और उन्होंने दोबारा उस समय पर वहां न जाने का निश्चय किया। दोस्तों, घटवार बाबा की इस घटना की पुष्टि के लिए मैंने अपने गुरुजी और अपने कुछ जानकारों से पूछताछ की। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और मुझे सबूत के तौर पर उदाहरण भी दिए, जैसे कि वहां मौजूद एक पेड़ जिसकी जड़ आधे से ज्यादा जमीन से बाहर है और वो पेड़ गिरा हुआ प्रतीत होता है। उसकी डाले गंगा नदी के पानी को छूती हुई है। जो कोई भी उसे पहली बार देखता है उसे इस बात का अचंभा अवश्य होता है कि ये पेड़ तो लगभग गिरा हुआ है, तो फिर हरा कैसे है, इसे तो सूख जाना चाहिए। लेकिन वो हरा सिर्फ वहां मौजूद घटवार बाबा की कृपा से है। घटवार बाबा की कृपा की और भी घटनाएं प्रचलित हैं जो कि किसी बात की पुष्टि की मोहताज नहीं है। घटवार दुष्टों को सजा भी देते हैं और मजबूरों की मदद भी करते हैं।